राम को विराजमान दिया जा रहा है। इस खुशी में ये हृदय के सुमन मिल रहे हैं। विचार कर रहा हूं कि ये सब समाचार महारानी कौशल्या को सुनाया जाए या महारानी सुमित्रा को सुनाया जाए या महारानी कैकेयी को सुनाया जाए। मैं विचार करते करते महारानी कैकेयी के महलों में सभी आ गया, लेकिन मैं जब ही महारानी कैकेयी के महलों के समीप आया करता था तो मुझे यहां पर दास और दासियां दिखाई देती थी, लेकिन आज ना तो दास है ना दासियां है, इसका क्या कारण है? ऐ दासी प्रसन्न रहो दासी चंदा, मैं तुम्हारे मुखमंडल की ओर देखता हूं, नित्य प्रति की तरह तुम्हारा यह मुखमंडल खिला हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मुखमंडल पर उदासी क्यों है? दासी चंदा कहां से आ रही है? महाराज मैं दो भवन की ओर से आ रही हूं। महाराज वो भवन? हाँ महाराज वो भवन क्यों गई? बस महाराज मैं ऐसे चली गई लेकिन देखा मैंने, उधर देखा मैंने महाराज कि महाराज को भवन में चल क्या कह रही है दासी चंदा? महाराज दासी चंदा के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में है। मेरे पूर्वजों से बना यह कोप भवन आज तक इसमें किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज महारानी कैकेयी कोप भवन गई तो क्यों गई? चलते
करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी महारानी कहते के पास जा रहा हूं। लेकिन हे विधाता, इस शुभ कार्य में अशुभ संकेत क्यों? मैं अपनी महारानी के पास जा रहा हूं। विचार आता है कि महारानी के पास, महारानी कहते के पास जाऊं कि ना जाऊं। अगर मैं महारानी कहते के पास नहीं जाता तो मुझे पता कैसे चलेगा कि महारानी कहते को भवन में गई तो क्यों? इसलिए मुझे चल करके देखना चाहिए कि महारानी कहते को भवन में क्यों? सपहे दरे
सरसिज से हर्ष समय नंद बली पीड़ा है गुरु रानी जिन आंखों ने लाश दिया वह आंखें भगवान रूपा में जो चिट्ठिया भगवान बोली हो वह चिट्ठिया भगवान दूंगा गुरु रानी
चेहरे वाला तो पांच सदा हाथों से मनवा देती है। महारानी हाँ महाराज बस इतना ही मैं सोच सकती हूँ, समस्या तो रही है। आज महारानी कह रही है कि बिन मांगे मोती मिलते। महारानी हमें अपने वचन की सत्यता को प्रस्तुत करने के लिए यदि प्रमाण प्रस्तुत करना पड़े तो क्या जन्म तीन मन में यही समझ पाए कि राजा दशरथ का जीवन क्या है। रही बात मांगने की तो आपने अभी तक मुझसे जो मांगा मैंने आपको दिया नहीं, और आप कह रहे हैं सम्मान मांगकर, तो मांग वो शब्द है भरानी जो एक छोटी सी कन्या को ग्रहणी और अन्नपूर्णा का रूप देती है। हल्के में ना लीजिए, इसलिए महारानी सुने सम्मान मान कर महारानी अब मत पूछो तब की प्रिया इसी से हल्की हो और महारानी क्या कह रही हो। बाप ना किससे चाहिए जो देने लायक हो, जो देने लायक हो उससे मांगना चाहिए। इसलिए महारानी जय हो। मुझे तुमने तीन मन में नहीं समझ पाया, मेरे साथ कभी ऐसा अन्याय नहीं हुआ। आज अन्याय हो रहा है इसीलिए तो आपसे कुछ कोई प्यार करे है राजा जी। तो पढ़े दो बता रहे दो बता वही वही धर्म को दे दो धर्मान वाले आज महारानी मुझे वो भी याद है कि आपके दो वरदान मेरे ऊपर है देवास और संग्राम के समय की। लेकिन महारानी थाती नाथ न मांगे कारू। आप अपनी बात को ध्यान रखिए महारानी, आपने क्या कहा था। मैंने कहा उसी समय कहा था कि आप वरदान ले लो, तो आपने कहा था कि जब समय आएगा जब मांगूंगी। आपने अभी तक मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं, गुस्सा किसका होगा। अरे या तो वरदान मांग लो या इनको भवन का झंझट करो खत्म करो। क्या है दो बार क्या चीजें हैं। अरे जी चाहे जितने भी ले लो, सीखी है मैंने नहीं नहीं जो भी मन को भाई ले लो गर्जे तो अपनी बंसे न बूंद ये धोखा सब मेघों में है। जो कहा सो दिया दिया बस एक बार मर झूठा है दोष, झूठा है दोष हम ही जन दे दुई के चार मांग मत ले हो। तो की क्या बात करती हो महारानी, चार मारो लेकिन झूठ नहीं। महाराज कुछ करो नहीं अनुमान लगी और शस्त्र ये है राजा जी पुरुषों का मुझे विश्वास बुढ़ापे पे। आपको बुढ़ापे में विश्वास तीन पर गुजर गए, चौथे पर में विश्वास भी हो रहा है। महारानी ये पता है तुम्हें क्या पति पत्नी का संबंध विश्वास की मृत्यु होता है, और जिस दिन वह विश्वास खत्म हो जाता है वह धन संतान हो जाता है। पत्नी के विश्वास को बरकरार रखने के लिए पति नित्य कर्तव्य करता है कर्म करता है। और आप क्या कह रही हो। इतना ही नहीं वंदे भवानी संतरो सिद्धा विश्वास रूपम महारानी माता पार्वती और भगवान शंकर इसके प्रतीक हैं। और आप क्या कह रही हो विश्वास। हाँ पत्नी का विश्वास नहीं है कि फिर आप अपनी महारानी भी नहीं हो। महाराज अपनी महारानी को जिगा था विश्वास खत्म तो पति पत्नी का संबंध खत्म। सुनिए मेरी बात, विश्वास क्यों नहीं है। आपने कहा पति और पत्नी का एक विश्वास का रिश्ता हुआ करता है। आपने
आपने घोषणा सुना दी। क्या घोषणा सुना दी? महारानी अभी मंथन चल रहा है। नारे मेरी बात सुने आप, आपने घोषणा सुना दी है कि हम राम को राजा बना रहे हैं। किस समय मेरा जवाब दसवें महाराज, मेरे पिता ने आपसे एक शर्त रखवाई थी, जो केकई के पुत्र होगा वो राजकर्ताली होगा, और आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आपने घोषणा सुना दी है कि हम राम को राजा बना रहे हैं, पर कहते हो तुम मेरी महारानी भी नहीं हो। अभी तक जीवन में आपने ऐसे शब्दों का मेरी ऊपर प्रहार नहीं किया। तो महारानी आपने भी तो अभी तक ऐसा मेरे ऊपर शब्द नहीं कहे। तो तुम्हारे धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए महारानी सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, लेकिन ये साधारण वचन नहीं होगा। महारानी आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, एक पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मैं समुद्र में चाहे पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो पाप से अपनी बदल जाए। परमात्मा है सुन रहा, अनुचित नहीं होगा, बिल्कुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौभद्र सहित भागनी सत्य कथन है, क्या है छत्री का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात करे, मध्यस्थ मेरी बात करे, राजभवन है साक्षी आकाश है, एक पृथ्वी है, पवन है, ये आप पहली बार परम प्यारे नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध बेटा। महाराज मैं समझती थी तुम मेरे स्वामी हो। महारानी इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये दुनिया ही कस्मों के सहारे चल रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या जहाँ कसमें होती है वहां कसमें भी होती है। महाराज
तुम मेरे स्थान हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रपालन करने वाले हो। महाराज वरदान मांगो। मांगो आए महाराज, सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह धाती आज मांगती हूं और कौशल्या चंदन के बदले निज को राज चाहती। बड़ा प्रसन्न महाराज, हृदय गदगद हो गया। जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाला है वह मेरी अयोध्या का भरण पोषण साधारण कर सकता है, लेकिन महारानी जेठ स्वामी सेवक लघु भ्राता अपने यहाँ की रीत है कि जो जेठा होता है उसे राजपाट दिया जाता है, लेकिन लोभ राम ही राज्य का, राम को इसका कोई लोभ नहीं है। बहुत भरत संतरी भरत को बहुत चाहता है, लेकिन मैं पर छोट विचार कर करत रहो नी।